मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में। जी हाँ, मैं बता दूँ कि एचईसी बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज बैठक रखी गई थी, जहाँ मैं बता दूँ कि 24 माह से अब ऊपर हो चुके हैं, जहाँ पे श्रमिकों को वेतन नहीं मिला, इसको लेकर के लोग कई बार विरोध प्रदर्शन धरना प्रदर्शन किए, पर इस पे किसी भी तरह का परिणाम निकल कर सामने नहीं आया। वहीं हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कैलाश यादव जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहेंगे। कई बार जो है प्रयास किए गए हैं वेतन श्रमिकों तक पहुँच जाए, इस तरह की बातें की गई है, धरने दिए गए हैं, कई विरोध प्रदर्शन हुए, पर कुछ भी परिणाम निकल कर सामने नहीं आया। निश्चित तौर पर मजदूर लगातार संघर्षरत हैं और जबकि उनके मुंह पर तमाचा मारने का घेराव करने का कोशिश किया तो आंसू बहाने के तरह एक दो बूंद, जैसे कि 15 दिन का एक महीने का सैलरी जो है बीच बीच में देखे उन लोगों को जो है कि किसी भी तरीके से संतोष करने का कोशिश किया, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, एचईसी जो है एचईसी एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, एचईसी मदर इंडस्ट्री है, मातृ उद्योग है, एचईसी ने सैकड़ों कल कारखाना को जन्म दिया और आज एचईसी जिसकी माँ की तबीयत खराब है उसका बेटा जो है कि आँख बन के चल रहा है तो उस बेटा को ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए माँ का रक्षा करना, सुरक्षा देना, स्वास्थ्य का व्यवस्था करना, देखभाल करना, ये सब जो है कि लड़कों का काम होता है, मतलब कि जो इंडस्ट्री है सरकार है और एचईसी मदर इंडस्ट्री है, इसको अनदेखी करके अगर देश का शासन सत्ता कोई चलाइएगा इसका हाय लगेगा। आज 24 महीना आप समझ सकते हैं कि उस परिवार कितना कठिन और कठिनाई में होगा, उसके बाल बच्चे का क्या स्थिति होगा, चिकित्सा सुविधा तक रोक दिया गया है, ये मानवता का भी हनन हो रहा है, श्रम कानून का घोर उल्लंघन हो रहा है। ये सरकार लंबी लंबी बात करती है, बोलते हैं कि मेरे देश में एक भी कच्चे मकान नहीं रहेगा और आप जहाँ बैठे हुए हैं कच्चे मकान में बैठे हुए हैं। 140 साल के लिए जो है कि क्वार्टर को दे दिया गया, लोग 40 साल 50 साल नौकरी में रहे और 90 साल के लीज में, और लोग करकट के घर में रख रहे हैं, पूछ के घर में, उसको मरम्मत तक नहीं करने दे रहे हैं, पक्का ढलाई करने देना चाहिए, आप उनको किराएदार बना कर रख दिए हैं जबकि आपको रजिस्टर्ड लीज करना चाहिए, एग्रीमेंट करके रखे हैं, तो ये अन्याय हो रहा है। यहाँ पर केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया का तानाशाही जो है व्यवहार एचईसी प्रबंधन भी कर रही है, एचईसी का चेयरमैन कर रहे हैं, एचईसी के डायरेक्टर कर रहे हैं, एचईसी के सेक्रेटरी इंडस्ट्री के कर रहे हैं भारत सरकार के, अब इसका खामियाजा भुगतने के लिए भारत सरकार तैयार रहे। आज आप लोग बैठक किए हैं, क्या कुछ बैठक में निकल करके आया, आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, परसों विगत 19 तारीख को 8 सूत्री मांग को लेकर एचईसी बचाओ जनसंघर्ष समिति का 8 सूत्री मांग था, उसमें एचईसी का बकाया वेतन था नियमित करने का, जितने लोग यहाँ पर ठेका मजदूर सप्लाई के लोग थे उसको अंदर जाना चाहिए था, लोग उत्साह में रहते। सूत्री मांग को लेकर एचईसी बचाओ जनसंघर्ष समिति का 8 सूत्री मांग था, उसमें एचईसी का बकाया वेतन था नियमित करने का, जितने लोग यहाँ पर ठेका मजदूर सप्लाई के लोग थे उसको अंदर जाने से काम करने पर रोक दिया गया, बोलता है टेंडर निकालेंगे, जबकि 300 साल से बगैर टेंडर का ही लोग हमेशा कंटिन्यू करके काम लेते रहा, क्योंकि एचईसी का जो कॉन्ट्रैक्ट सेल के जो लेबर हैं वो पूरे भारत में एक अलग टाइप के मजदूर हैं, क्योंकि ये लोग एक परमानेंट नहीं है, लेकिन लोग काम सारा परमानेंट का ही करते हैं, कभी भी टेंडर का प्रक्रिया को शो नहीं किया गया, हमेशा ऑनलाइन चाहे बैक डेट में होते चले गया। एक कॉन्ट्रैक्टर थे इसके जो विगत दिनों डेथ कर गए जिस कारण से व्यवधान पैदा हुई। इन एचईसी की नीयत ठीक नहीं है, 6 महीने से ऊपर हो गया काम रोके हुए, लेकिन जो है कि इन लोगों को हमेशा झूठा और खोखला आश्वासन दे के जो है कि झूठा आश्वासन और खोखला वादे दे करके इन लोगों को लोक लुभावन थोथी दलील दे रही है, जबकि अब यहाँ के लोग अब तराही तराही कर रहे हैं, किसी भी सूरत पर लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत अफसोस की बात है कि देश के गृह मंत्री यहाँ पर आते हैं एचईसी के मैदान में, आवासीय मैदान में, और वो कहते हैं कि हम बीजेपी का कार्य समिति और राज्य में सरकार सत्ता बनाने के लिए हम आए हैं। राज्य क्या हुआ, बहुत अफसोस की बात है कि कल एचईसी के मैदान में, आवासीय मैदान में, जो जगन्नाथ मैदान का नाम रखा गया है प्रभात तारा, देश के गृह मंत्री आते हैं, देश के कृषि मंत्री आते हैं, देश के बाल विकास मंत्री आती हैं, मैंने कई केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री असम के आते हैं, बीजेपी के प्रदेश मैंने तमाम बड़े नेता भाजपा के कल जमावड़ा हुआ,
एक बार भी एचईसी का नाम नहीं लिया, जबकि 24 महीने से कर्मचारी और अधिकारी वहाँ पर सुन रहे थे भाषण उनके कि शायद हम लोग के विषय में एक बार भी लोग नाम लें। लेकिन शर्म आती है ऐसे बहुरूपीय लोगों को कि जो कि एचईसी का नाम लेने से कतराते हैं, कैसे चलेगा देश बताइए? जब मजदूर और किसान सुख में नहीं रहेंगे, गरीब लोग खुशहाल नहीं रहेंगे, तो आप कैसे सत्ता चलेगा? मानवता का भनन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अमित शाह जिस मैदान में खड़ा हुए थे और एचईसी के मुद्दों पर बात नहीं किए, जिसका इंतजार वहाँ के सभी श्रमिकों को था, तो कहीं ना कहीं वो अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए आए थे, ये कहा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में भी काफी प्रयास किया और यहाँ के कृषक, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के स्थानीय सभी को इन्होंने धोखा दिया, तो लोकसभा में इनको पनिशमेंट परिणाम भुगतना पड़ा। आज इनके 5 सीट झारखंड से कम हुई और आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो लोकसभा क्षेत्र था 5 जगह से हार गए। दूसरा, हम लोग आज एचईसी बचाओ जन मजदूर संघर्ष समिति की ओर से आज निंदा प्रस्ताव लाए बीजेपी के तमाम नेताओं के खिलाफ में, खास करके गृह मंत्री अमित शाह का। कल उन्होंने एचईसी का चर्चा नहीं किया, उनको समस्याओं पर बोलना चाहिए था। लोग उत्साह में रहते, लोग नाम मांगा गया है, माननीय मंत्री का चिट्ठी आया है और इस मंत्री को लेकर हम लोग जो है कि इसमें 10-10 प्रतिनिधि जाएंगे और वार्ता में अपनी बात को रखेंगे। जी, ये आपकी अगली रणनीति है? अगली रणनीति 23 तारीख को वार्ता के बाद फिर हम लोग बताएंगे कि आगे रणनीति क्या होगी। निश्चित तौर पर 23 तारीख को वार्ता के बाद हम लोग दिल्ली भी कूच करेंगे और देश के उद्योग मंत्री कुमार स्वामी से भी मिलेंगे। ये हमारे साथ आरजेडी के कैलाश यादव जी थे हमारे साथ मौजूद और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि इनका अगला कदम जो है उनके बाद क्या कुछ परिणाम निकल करके सामने आता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ। अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं नेहा रांची से।